हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग्स। और आज हम बना रहे हैं टिक्की, लेकिन हेल्दी वे में। आज हम टिक्की में यूज करेंगे मिलेट और इसके साथ कुछ सब्जियों का यूज करेंगे। साथ में केचप का भी यूज करेंगे, लेकिन केचप हमने घर पर बनाई है। कुछ साल पहले मैंने एक केचप की रेसिपी पोस्ट की थी जो बिना चीनी बिना विनेगर की थी, काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया था। तो उस रेसिपी का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। साथ में आज की रेसिपी को और ज़्यादा हेल्दी बनाएंगे हम। इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे किसका, ऑयल और घी का, और बटर का भी यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देखते हैं। हम यहाँ पर फॉक्सटेल मिलेट लेंगे, जिसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगोएंगे, उसके बाद 15 मिनट के लिए पानी में उबालेंगे। मैंने यहाँ पर स्टोव को ऑन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि पैन में ऑयल घी कुछ भी नहीं डाला हुआ है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कैप्सिकम। मैंने यहाँ पर एक कैप्सिकम ली है जिसको बारीक कट कर लिया है और इसे भूनना है। इसमें सब्जी को भूनते टाइम आंच को थोड़ा सा कम रखें, चम्मच को लगातार चलाएं, क्योंकि हमने यहाँ पे तेल और घी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और अभी हम थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इसके बाद मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगा। आप यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची का भी यूज कर सकते हैं, मैं हरी मिर्ची का यूज नहीं कर रहा। और अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज और शिमला मिर्ची को सिर्फ इतना ही भूनेंगे कि इसका पानी सूख जाए, इसका मॉइस्चर सूख जाए। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसमें हल्का क्रंच रहना चाहिए। तो इसको भूनने में करीबन मुझे 2 से 3 मिनट लगा। सब्जियां भूनने के बाद तुरंत से इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और सब्जियों को ठंडा होने दीजिए। अब हम इसमें सबसे पहले मिलेट मिलाएंगे धीरे धीरे करके। अभी हम इतना ही मिलेट लेंगे, एक बार इसी को मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैंने छोटे साइज के आलू उबाले थे, तो 1.5 आलू लूँगा, वो इसमें मिला लूँगा। मैंने इंटरनेट पे देखा है कि कुछ लोग मिलेट की रेसिपीज बनाते वक्त उसमें ब्रेड क्रम्स मिलाते हैं, कॉर्नफ्लावर या मैदा मिलाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, जब हम एक हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं मिलेट को लेकर, तो हमें ये साइड में ये सब नहीं मिलाना चाहिए, उसे हेल्दी ही रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 आलू ले लिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इस मिश्रण में नमक डाल रहा हूँ। नमक स्वाद अनुसार डालें, लेकिन इसकी मात्रा मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जी के भूनते टाइम भी सब्जी में नमक का यूज किया था। इसके साथ ही टिक्की को चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें चाट मसाला डाल रहा हूँ। इस मिश्रण में हम आलू की मात्रा कम रखेंगे, लेकिन मिलेट की मात्रा ज़्यादा रखेंगे, इसलिए मिलेट में अभी और मिला रहा हूँ। मिलेट बॉइल्ड है तो उसकी वजह से मिलेट में भी मॉइस्चर है और मिश्रण में भी मॉइस्चर है। तो जितना हो सके उतना मिलेट मिलाएं और आपको लगे कि अब टिक्की बन रही है, और तब आप इसकी टिक्की बना लीजिए। और टिक्की बनाना तो सभी को आता है, और इसकी एक खासियत और भी है कि ये मिश्रण थोड़ा चिकना है, जिसकी वजह से हाथों को भी ग्रीस नहीं करना पड़ेगा, टिक्की आराम से बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ी बड़ी साइज़ की टिक्कियाँ मैंने बना ली है। तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम टिक्की को सेकेंगे उसे बाहर से क्रिस्पी बनाने के लिए। अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो इस टिक्की को बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाया है, शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि तवे पर भी हमने कुछ भी ब्रश नहीं किया है, ऑयल या घी, और ना ही हमने बटर यहाँ पे ब्रश किया है। और इसी तरह से आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे आप सेकने दीजिए धीरे धीरे, और दोनों साइड से अच्छा क्रस्ट आने तक इसे सेक लीजिए। स्पैचुला और एक स्पून की हेल्प से आराम से पलट भी जाएगी और ये बिखरेगी भी नहीं। थोड़ा सा और सेकने के बाद इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा ऑन नहीं था इसलिए स्टार्टिंग से दिखा नहीं पाया। तो जिस तरह से डो लाइन बनाई है, ठीक इसी तरह से हम प्लेट को घुमा के यहाँ पे भी हम डो लाइन बनाएंगे। तो ये मैं दिखा रहा हूँ मैंने लाइन किस तरह से बनाई है। तो हमने जब केचप घर पे बनाई है, जिसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया, कोई केमिकल नहीं है, तो हम उसको थोड़ा अलग ढंग से इसे सर्व करेंगे। और इस तरह से सर्व करने का एक और भी कारण है कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको मिलेट का नाम सुनते ही खाना नहीं अच्छा लगेगा, या हेल्दी डिश सुनते ही खाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस तरह से जब आप सर्व करके देंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये सर्विंग देखेंगे, तो देखते ही उनका खाने का मन ललचा जाएगा। और जब ये खाएंगे तो वो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने बिना ऑयल बिना बटर के ये टिक्की खाई है और ये टिक्की मिलेट से बनी है। तो सबसे पहले तो आप इसकी आवाज़ सुनने की बाहर से कितनी क्रिस्पी बनी है। तो देखिए दोस्तों,
और देखिए इसे तोड़ते टाइम ये अंदर से कितनी सॉफ्ट और क्रीमी है। दोस्तों अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए कि आप लोगों को मिलेट टिक्की का टेस्ट कैसा लगा। और मैंने इस डिश का नाम रखा है गिल्ट फ्री टिक्की और मेरे घर में सभी को इसकी रेसिपी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।